अस्सलाम वालेकुम आज के इस वीडियो में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द फिनेरिया फिनेरिया में सबसे पहले सिस्टमेटिक पोजीशन यानी क्लासिफिकेशन देखेंगे फिर उसके बाद ऑकरेंस देन वी विल टॉक अबाउट द गेमेटोफाइट का मॉर्फोलॉजी जानेंगे इन डायग्राम के माध्यम से फिर एनाटॉमी डिस्कस करेंगे देन वी विल टॉक अबाउट द रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन में पहले वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन डिस्कस करेंगे इस डायग्राम के माध्यम से देन वी विल टॉक अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंथेडियल ब्रांच आर्चिगोनियल ब्रांच और इसी के साथ साथ आपका डेवलपमेंट ऑफ इंथेडियम इस डायग्राम के माध्यम से जानेंगे फिर उसके बाद हमारे पास जो आपका आर्चीगोनिया होता है डेवलपमेंट ऑफ आर्चीगोनिया इस डायग्राम के माध्यम से जानेंगे फिर उसके बाद हमारा फर्टिलाइजेशन होगा फर्टिलाइजेशन को जानेंगे देन वी विल टॉक फर्टिलाइजेशन के बाद जो कैसे जो के के होता है और स्पोरोफाइट का बिल्कुल एकदम से जो आपका कैप्सूल जो ऊपर वाला पोर्शन होता ना इसको बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे इन डायग्राम के माध्यम से स्टेबल डायग्राम के माध्यम से चीजें आपको पॉइंट बाई पॉइंट समझाएंगे जिसे चीजें

फोर्टीन थाउजेंड स्पीशीज रिपोर्टेड है इसके अंदर ऑर्डर फ्यूनेरियल्स के अंदर आता है फैमिली फिनेरिसी एंड जीनस फ्यूनेरिया चलिए सिस्टमेटिक पोजीशन के बाद हम बात करते हैं आप ऑकरेंस की तो ऑकरेंस में हम तीन चीज़ देखेंगे सबसे पहले नंबर देखेंगे फिर डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे फिर उसके बाद हैबिटेट देखेंगे अगर हम नंबर की बात करें तो फ्यूनरिया की 117 स्पीशीज़ पूरी दुनिया से रिपोर्टेड है और अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ये दुनिया के हर जगह पर पाया जाता है और इंडिया की बात करें तो मोर देन एटीन स्पीशीज़ इंडिया से रिपोर्टेड है अगर हम हैबिटेट की बात करें तो ये जनरली आपके टेरिस्टल मौसम ज़मीन पे पाया जाएगा और ज़मीन पे भी ये डेंस पैचेस ऑफ ब्राइट ग्रीन कलर के

पता है कि ब्रायोफाइट जो है ना आपका फ्यूनरिया ब्रायोफाइट से तो दैट शोज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मीन्स इनके पूरे लाइफ साइकिल में हमें दो फेजेस देखने को मिलता है गेमेटोफाइट और दूसरा स्पोरोफाइट गेमेटोफाइट कौन सा बॉडी होता है इनके लाइफ साइकिल में वो बॉडी होता है जो कि अट्रोटॉपिक अपना खाना खुद से प्रपेयर करता कर है और मेन प्लांट बॉडी होती है और याद रखिएगा दिस आर इन नेचर वहीं स्पोरोफाइट क्या होता है सिमी डिपेंडेंट होता है किसके ऊपर गेमेटोफाइट के ऊपर और याद रखिएगा दिस आर डिप्लॉयड इन नेचर आगे हम जो भी डिस्कस करेंगे पहले गेमेटोफाइट को डिस्कस करेंगे वो बॉडी फिर उसके बाद स्पोरोफेटिक इनकी बॉडी को डिस्कस करेंगे यहां पे ये देखिएगा ये वाला डायग्राम हम देख सकते हैं नीचे जो ये वाला पोर्शन दिख रहा है ना ये मेन प्लांट बॉडी होता है दैट इज द गेमेटोफाइट और ऊपर वाला इसी गेमेटोफाइट के ऊपर होता है जो कि बाद में निकलता है दैट इज ए स्पोरोफेटिक बॉडी जिसमें फूड सीटा कैप्सूल होता है इसमें हमारा लिफी होता चलिए अब हम बात करें गेमेटोफाइट दैट इज़ द मेन प्लान बॉडी मेन प्लाट बॉडी मैंने पहले ही ऑलरेडी कहा आप लोगों को ये नीचे वाला जो पोर्शन है जो दिस इज द मेन प्लान बॉडी विच वी क्वालिटिट इन ए गेमेटोफाइट हैवलाइड इन नेचर होता है और ये आपका फ्री लिविंग होता है मीन्स इंडिपेंडेंट होता है और अगर हम इसकी बॉडी की कंस बात करें तो यहाँ पर दो चीज़ें देखने को मिल सकती है कि एक आपको लीव एक्सिस देखने को मिलेगा दूसरा यहाँ पर हमें राइट साइड्स देखने को मिलता है नीचे वाले पोर्सन में यहाँ पर इस डायग्राम में देख सकते हैं जो कि जमीन के अंदर धसा रहता है अगर एक्सिस की बात करें तो इस जो ऊपर वाली लिफी एक्सिस में हमारे पास स्पायरली अरेंज सिंपल सेसाइल ओवेट लीव्स रहता है सेसाइल विदाउट पेट्यूल जो है ना आपके लीव प्रेजेंट होगा ओवेट जो है ना इनका ओवेट जो है ना वो आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा लीव की एक बात और भी है कि जो आपके ओल्डर लीव्स होता है ना वो द बेस होता है और याद रखिएगा उनमें मिड मिट्रिप पाया जाता है इस डायग्राम में देख सकते हैं सेकंड वाले डायग्राम में मिड मिट्रिप दिखा रहा है बाकी यंग लीव्स में जनरली आपको मिड मिट्रिप देखने को नहीं मिलता है अगर हम रइजाइड्स की बात करें तो राइजाइड्स जो है ना यहाँ पे ब्रांच्ड होते हैं और मल्टी सेल्युलर यह ब्रायपसिडा का फ्यूचर है याद रखिएगा और रईजाइड्स में और एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ओब्लिक सेप्टा देखने को मिलता है इस डायग्राम में देख सकते हैं यहाँ पे देखिएगा जो सेप्टा वॉल फॉर्मेशन जो करा रहे हैं वो थोड़े से तिरछे हैं टेढ़े हैं दैट इज कॉल्ड ऑब्लिक सेप्टा तो ये वाला फोटोग्राफ नीचे वाला आप देख सकते हैं ये नेचुरल फोटोग्राफ है और ये डायक्रामेटिक जो डायग्राम आप देख सकते हैं अब हम बात करें इनका एनाटॉमी मींस इसी चीज़ का एनाटोमी गेमेटोफाइड का गेमेटोफाइड का ऊपर वाला पोर्शन को हम अगर स्टेम कहें तो उसमें हमें तीन चीज़ें देखने को मिलता है एनाटॉमिकली एपिडर्मिस एपेडरमिस कॉटेक्स और सेंट्रल सिलेंडर तो एपिडर्मिस यहाँ पे जो है ना जो लिफी एक्सिस में एपिडर्मिस जो है ना सबसे आउटर साइड से होता है मेन चीज इसमें क्लोरोफिलस मीन्स क्लोरोफिल पाया जाएगा और ये दैट इज फोटोसेंथेटिक इन नेचर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें क्यूटिकल डिपोजिशन नहीं होता और उसको स्टोमेटा नहीं रहता लिफी एक्सिस में अगर हम कॉटेक्स की बात करें तो कॉटेक्स जो है एपिडर्मिस के जस्ट नीचे रहता है और मल्टी मल्टी सेलुलर सॉरी मल्टी लेयर होता है एंड दीज आर पेरेंकाइमेटस इन नेचर अगेन इनमें क्लोरोप्लास्ट पाया हम बीच वाले सेल्स की बात करें तो ये थोड़े से आपकी उटोप इन साल में नहीं देखा गया है और इनका मेन चीज सेंट्रल मेन काम जो होता है वाटर एंड न्यूट्रीन का कराना, इस डाय में हम लोग देख सकते हैं यहां पर देखिए राइजाइड जो भी वॉटर जो एब्सॉर्व करेगा वो सेंट्रल ट्रेन के थ्रू जो है ना यहाँ तक पहुँचेगा बाद में जाके वो सुपोरोड में भी जाता है फिर इसके बाद यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है ना सेंट्रल स्ट्रेन में हमारे पास नॉन लिग्निफाइड सेंट्रल सेल्स को हाइड्राइड्स कहते हैं और हाइड्राइड्स को याद रखिएगा दिस आर कंसिडर्ड इज इन ए ट्रैकिड्स वाई बिकॉज ये हाइड्राइड जो है ना ट्रैकिड्स की तरह मेचोरटी पे जो आपके ट्रैकिड जो इन प्लांट्स में होते हैं वो डेथ होते हैं उसी तरह से आपके यहाँ पर हाइड्राइड्स भी होते हैं नॉन लिग्निफाइड सेल्स अगर हम लीफ की एनाटॉमी की बात करें तो हमने ऑलरेडी कहा लीफ इफ कंपोस्ट ऑफ रिप एंड विंग्स आर लेमिना मीन जो सेंट्रल पोर्शन में जो आपका पार्ट है दैट इज रिप और बाहर साइड से आपका लेमिना होता है सेंट्रल वाला रिप जो है ना वो सेवरल सेल थिक्ड होता है ये वाला पोर्शन इस डायग्राम में देख सकते हैं और यहाँ पे जो आपके लीफ लेमिना है ना दैट इज द सिंगल लेयर लीफ लेमिना सिंगल लेयर ऑफ पेरेंट सेल्स होता है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ लीव जनरल स्टोमेटा के लिए माना जाता है लीव में स्टोमेटा होता है याद रखिएगा यहाँ पे आपके ब्रायोफाइट्स के लीव में डस नॉट हैव स्टोमेटा एयर हेस यहाँ पे ना हेयर्स होते हैं ना स्टोमेटा होता है ये इंपॉर्टेंट है याद रख लीजिएगा चलिए नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी रिप्रोडक्शन फिनेरिया जो है आपका कैसे अपना नंबर इनक्रीज़ करता है इट इंक्रीज बाय विजिटेटिव एज वेल एज सेक्चुअल रिप्रोडक्शन मींस यहाँ पे विजिटेटिव रिप्रोडक्शन एज वेल एज सेक्चुअल दोनों देखने को मिलेगा तो सबसे पहले अगर हम विजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करें इसमें पहला हमारा आता है फ्रेगमेंटेशन ऑफ प्राइमरी प्रोटोनीमा फ्रेगमेंटेशन ऑफ प्राइमरी प्रोटोनीमा सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि प्रोटोनीमा क्या होता है यहाँ पे याद रखिए कि जब हम स्पोरोफाइट पढ़ेंगे ना स्पोरोफाइट में अल्टीमेटली हमारे पास स्पोरिजिनस टिश्यूज से स्पोर्स बनेंगे वो स्पोर्स हैबलाइट होता है जब वो ज़मीन पर गिरता है ना जर्मिनेट करता है जर्मिनेट करने के बाद इस डायग्राम में देख सकते हैं वो फिलामेंट हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स बनाते हैं मल्टी सेलुलर फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर्स दैट आर कॉल्ड प्रोटोनीमा स्पोर से जो आपके प्रोटोनिमा फिलामेंट्स बनेंगे ना यहाँ पे क्या होगा सम टाइम प्राइमरी प्रोटोनिमा ब्रेक इनटू मेनी फ्रगेगमेंट मान लीजिए ये प्राइमरी प्रोटोनिमा बना हुआ ये वाला स्ट्रक्चर ये टूट गए डिफरेंट डिफरेंट फ्रेगमेंट में फ्रेगमेंट पे बाद में क्या होगा वहाँ पे बर्ड्स बनेंगे और उसी बर्ड्स से बाद में जाके यहाँ पे एक बर्ड आप देख सकते हैं इस बर्ड से आपका नया जो है ना फ्यूनरिया बन के आएगा ना नेक्स्ट इस हमारा सेकेंडरी प्रोटोनिमा सेकेंडरी प्रोटोनिमा क्या होता है कोई भी फिलामेंट हेयर लेग स्ट्रक्चर अदर देन स्पोर मीन स्पोर से ना बन के और किसी चीज़ से बनिए मान लीजिए राइजाइड स्टेम लीव्स पे जब भी इंजरी होती है ना वहाँ पे से भी आपका फिलामेंट हेयर लेग स्ट्रक्चर्स निकल के आते हैं दैट वी कॉल्डेडेड ए सेकेंडरी प्रोटोनिमा इसी सेकेंडरी प्रोटेनिमा में बाद में बर्ड्स बनेंगे और यही बर्ड्स बाद में जाके दैट विल डेवलप इन न्यू प्लांट बॉडी तो नेक्स्ट हमारा है गेमी क्या होता है याद रखिएगा ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन मीनस जब चीज़ें सही नहीं हो वहाँ पे न्यूट्रिशन की कमी हो या क्लाइमेटिक कंडीशन सही नहीं हो उस टाइम आपका गेमी बनेगा और गेमी जो है ना मल्टी सेलुलर ग्रीन बॉडीज़ होती है यहाँ पे देख सकते हैं और कहाँ से बन के आएगा टर्मिनल सेल ऑफ प्रोटोनिमा मान लीजिए कोई भी प्रोटोनिमा है स्पोर से जर्मिनेट करने के बाद उसको लगे कि कंडीशन फेवरेबल नहीं है तो उसका टर्मिनल सेल किस में चेंज हो जाएगा मल्टी सेलुलर ग्रीन बॉडी में दैट इस डायग्राम में देख सकते हैं क्वालिटी गेमी और यही गेमी जब फेवरेबल कंडीशन होगा दैट जर्मिनेट्स इनटू न्यू प्लांट बॉडी नेक्स्ट है आपका बुलबिल बुलबिल क्या होता है दिस आर सिमिलर टू गेमी गेमी की तरह ही होता है बट ये जो है ना प्राइमरी प्रोटीन में ऊपर वाले पोर्शन पे ना बन के नीचे जो आपके राइजाइडल पोर्शन होता ना राइजाइड्स पे बनेंगे तो डिफरेंस क्या होगा यहाँ पे डिवाइड ऑफ क्लोरोप्लास्ट बुलबिल देखिए दे स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे इस डायग्राम के माध्यम से आप लोग को कोशिश करा है देखिए ये ये ब्राउन कलर से जानबूझ के दिखाया गया क्योंकि आपके राइजाइड्स में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता मल्टी सेल्यूलर बॉडी मतलब गेमी की तरह ही होता है और जब ये डिटैच होगा राइजाइड से डिटैच होगा तो दैट विल डेवलप इन ट्यू न्यू प्लांट बॉडी और नेक्स्ट हमारा होता है सक्चुअल रिप्रोडक्शन में एपोस्पोरी एपोस्पोरी हम सब लोगों को पता है जब भी कोई डेवलपमेंट ऑफ गेमेटोफाइट जो है ना डायरेक्टली स्पोरोफाइट से विदाउट फॉर्मिंग स्पोर्स या विदाउट म्योसिस बने उस टाइम हम उसे एपोस्पोरी कहते हैं गेमेटोफिटिक प्रोटोनिमा ऑफ फिनेरिया कभी कभार आपका डेवलप होता है अनस्पेशलाइज सेल्स ऑफ बॉडी लेट्स टॉक अबाउट सुपोरो सेक्चुअल सेक्चुअल रिप्रोडक्शन में, में सबसे पहले याद रखिएगा यहाँ पे इस डायग्राम के माध्यम से मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूँ इस डायग्राम के माध्यम से ये जो है आपका मान गेमेटोफेटिक मेन प्लांट बॉडी अभी तक हम लोगों ने डिस्कस करा है जिसमें लीफी शूट होता है और राइसाइड्स होता है जब ये आपके मेच्योर हो जाएंगे इसके ऊपर आपके सेक्स ऑर्गन्स बनेंगे इन द फॉर्म ऑफ एंथ्रीडिया और अर्चीगोनिया तो याद रखिएगा मेन गेमेटोफेटिक प्लांट बॉडी जो है ना आपके सेक्चुअलिप प्रोडक्शन में रोल प्ले करता है यहाँ पे स्पोरोफेटिक कोई रोल नहीं रहता सेक्चुअल प्रोडक्शन में और ये... तो याद रखिएगा फ्यूनरिया जो है ना आपका मोनोशियस होता है मोनिशियस मीन जो भी आपका मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन जो है ना सेम प्लांट के ऊपर बनेगा और याद रखिएगा सेम प्लांट में यहाँ पे फ्यूनरिया में डिफरेंट ब्रांचेस पे बनता है ये आपका एंथरीरिया ब्रांचेस पे है दूसरे ब्रांचेस पे आपका आर्थिकोनिया सेम ब्रांच पर कभी नहीं बनता और सेक्स ऑर्गन में एंथेरिया मेल सेक्स ऑर्गन को हम एंथेरिया कहते हैं और फीमेल सेक्स ऑर्गन को आर्किगोनिया कहते हैं और ये दोनों जो है ना एपेक्सिस मीन्स टॉप पे बनेगा आपके एंथ्रीडियल ब्रांच और आर्चिगोनियल ब्रांच पे और इन ब्रांच को हम लोग क्या कहते हैं वी कॉल्ड जिस ब्रांच पे आपके एंथ्रीडिया आर्चिगोनिया होगा दैट वी कॉल्ड इट इन ए गेमेटो फोर नव लेस्ट टॉक अबाउट द मेल सेक्स ऑर्गन के बारे में जिसमें एंथ्रीडियल ब्रांच क्या होता है जो लिफी गेमेटो फोर जिसके टॉप के ऊपर एपेक्स के ऊपर हमारा एंथ्रीडिया होता है वी इट इन ए मेल ब्रांच और एंथ्रीडियल ब्रांच और यहाँ पे इसमें देखिएगा एंथ्रीडिया जो है ना आपके ग्रुप्स में बनता है एट द कन्वेक्सिप्ट एपेक्स ऑफ मेल ब्रांच के अपेक्स में ग्रुप में बनता है इस डायग्राम में देखिएगा नीचे वाले डायग्राम में और यहाँ पे याद रखिएगा जितने भी एंथ्रीडिया बनेंगे ना वो ग्रुप्स में बनेगा साथ में एंथ्रीडिया के बीच में हमें लॉन्ग हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स देखने को मिलता है दैट वी कॉल्ड इन है पैराफेसिस पैराफेसिस जो है ना फोर टू सिक्स सेल हाई होगा और सिंगल सेल होता है और पैरासाइफाइसिस यहाँ पे तीन फंक्शन मेन रोल प्ले करता है एक तो डीज कंटेन क्लोरोप्लास्ट तो फोटोसेंथिस का काम करेगा खाना बनाने का सेकेंड चीज़ ये आपके एंथ्रीडिया को जो है ना डिजिकेशन मीन्स ड्राइनेस से बचाता है जो इंथेडिया है इसमें यह पैराफेस है ये इंथ्रीडिया को सूखने से बचाता है और एक थर्ड चीज़ लाइब्रेशन ऑफ एंथरेजाइड्स जब इस एंथरेजाइड्स में मेल गया बनेंगे इसके लाइब्रेशन भी अब यहां पे देखिएगा पैराफाइसिस के साथ साथ आपके इंटीरिया के बाहर साइड से हमारे पास ब्रेक लाइक लीव्स रहता है दैट वी कॉल्ड इट पेरीचाइटल लीव्स ये वाले डायग्राम पेरीचाइटल लीव्स होता है और बाद में जाके वो इन्वलोव इन द फॉर्म ऑफ पेरीचिटियम बाद में बनाता है तो ये आपका क्या हुआ डायग्राम मेल ब्रांच के टॉप के ऊपर ये वाला डायग्राम को जिस तरह से ग्रुप में आपके इंथ्रीडिया बनेंगे ये एक सिंगल आपका एंथरीडिया है इंथरेडियम है तो सिंगल एंथरीडियम की बात करें तो मेच्योर इंथेडियम जो हो इलॉन्गेट थोड़े से देख सकते हैं आप लोग थोड़े से इलॉन्गेटेड मीन्स लंबे हैं और क्लब शेप्ट का है क्लब शेप्ट आप लोग देख सकते हैं और ये आपके मल्टी सेल्युलर स्टार्क बॉडी के ऊपर बन के आता है The main plant body of एंथ्रेडियम कंट्रेस of spermatogenesis cell Means इसमें स्पर्मेटोजेनेसिस सेल्स होंगे यही स्पर्मेटोजेनेसिस सेल बाद में जाके ना दैट leads टू द फॉर्मेशन ऑफ हम पे हमारे पास मील क्या मीट्स बनेंगे और और यहाँ पे याद रखिएगा जो आपके एंथ्रीडिया होते हैं दैट आर सराउंडेड बाय लेयर ऑफ जैकेट सेल यहाँ पर देखिएगा जैकेट सेल से इनको प्रोटेक्शन मिलता है जो इनके बाहर रहता है और टॉप ऑफ द जैकेट लेयर केयर के ऊपर हमारे पास एक हाइलिन सेल मीन थोड़ा सा ट्रांसलूसेंट थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट सेल होता है और बाद में जाके वो हमारा क्या बनाता है दै फॉम दी ऑपरक्यूलम और इसी ओपरक्यूलम में पोर बनेगा इसी में जब जितने भी मेल गेमेट्स बनेंगे इसी के थ्रू बाद में रिलीज़ होगा तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और इसमें सबसे पहले हम फीमेल ब्रांच डे आर्चिगोनियल ब्रांच के बारे में पढ़ेंगे जिसके टिप के ऊपर हमारे पास आर्चिगोनिया डेवलप होता है तो इसमें देखिएगा आर्चिगोनिया ब्रांच अराइज फ्रॉम द बेस ऑफ मेल ब्रांच के बेस पार्ट से निकल के आता है याद रखिएगा एंड इट लाइक वाइज एंथ्रीडिया की तरह डेवलप इन क्लासटर ग्रुप में बनेगा एंड लाइक वाइज पेरी चैटल लिप्स इसमें भी रहता है एंड यहाँ पर आर्चिगोनिया के बीच में आपको पैराफेस यहाँ पर भी देखने को मिलेगा नेक्स्ट है हमारा आर्चिगोनियम मीन्स एक सिंगल अगर हम आर्चिगोनियम की बात करें तो देखिए आर्चिगोनिया और आर्चिगोनियम में कन्फ्यूज़ मत करिएगा अगर एक होगा तो आर्चिगोनियम बोलेंगे अगर डेढ़ सारे होंगे तो आर्चिगोनिया बोलेंगे सिंगुलर प्लोरल का एक मैच्योर आर्चिगोनियम को अगर हम देखें तो ये आपका फ्लास्ट शेप होता है इट इज़ बॉर्न ऑन शॉर्ट स्टॉक कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट इसमें दो पार्ट आपको देखने को मिलेगा बेसल सोल एंड पार्ट दैट वी कॉल इट इन ए वेंटर मीन्स ये नीचे वाला पोर्शन इस डायग्राम में देखिएगा राइट right वाले साइड में नीचे वाला पोर्शन जो फूला हुआ दैट वी कॉल इट वेंटर और ऊपर वाला जो इलोंगेटेड जो आपका पतला सा स्ट्रक्चर दर्जा आ रहा है दैट इज़ दी इलोंगेटेड नेक आप देखिएगा वेंट्री इज सराउंडेड बाय डबल लेयर स्टेराइल जैकेट वेंट्री की कवरिंग देखिएगा यहाँ पे दो लेयर की जैकेट लेयर होती है वेर नेक में आपकी कवरिंग जो है ना वो सिंगल लेयर रहती है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर रह याद रखिएगा द वेंटर कंटेन वेंटर कनाल सेल एन एन ए एक इसी वेंटर में आपका जो सबसे नीचे वाला सेल है ना ये वाला दैट इज दी दल जिसके साथ आपका मेल गैमेट जो है वो फर्टिलाइज होगा ऊपर वाला जो वेंटर में जो सेल होता जो just है जो जस्ट ऊपर है दैट वी इट इन ए वेंटर कनाल सेल आता है फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन में इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा प्रेजेंस ऑफ वाटर वाटर इज बहुत ही असेंशियल होता है और हमें पता कि विदाउट वाटर आपके इंटरेस्टॉट जो बाय फ्लेजिलिट मेल गैमेट जो है वो स्विम करके एक के पास जाए

नाउ आपके आर्चिगोनियम में द वेंट्री कनाल सेल इन दी नेक कनाल सेल डिजॉल्व फॉर्मिंग ए मिसोलिजिनस सबस्टान एक सिटी की सबस्टान प्रोज्यू होगा आपका वेंटिकनल सर और नैकनाल सेल डिजॉल्व होगा जिसकी वजह से आपका क्या होगा वो जो है ना वो आप आपका जो पैसेज था वो एकदम से ये जो है ना वो खाली हो जाएगा वेंटिकेनाल सर और नैकनाल सेल ये वो जो आर्चिगोनियम का स्ट्रक्चर है अब आर्चिगोनियम का जो आपका मिसोलिजिनस सबस्टानस बाहर निकला है ना वो क्या करेगा दैट अट्रैक्ट्स एंथरजॉइड्स दैट मीन्स एंथरजॉइड्स आर केमेटिक मोट्रेक्टिकली मूव टुवर्ड्स द आर्चिगोनिया आर्चिगोनिया के ऊपर आपके मिसोलिजिनसटांस निकला हुआ उसी में जो केमिकल्स होता है कहा जाता है कि इंथेस्टराइड्स वहां पे अट्रिक्ट होता है और अल्टीमेटली आपका क्या होगा लास्ट नंबर ऑफ यहां पे जो मेल गैमिट्स है ना वो आपके आर्चिगोनियल नेट में एंट्री करेगा और यहाँ पे बट ओनली वन ऑफ देम फर्टिलाइज विद दी एग न्यूक्लियस एंड प्रोड्यूस डिप्लाइडोड जो एग बना है उसके साथ ओनली वंस फॉर्म विनफ्यूज और अल्टीमेटली हमारे पास यहाँ पे क्या बनेगा दैट लीज टू फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉयडोड और

न हमें पता कि हमारा जयकोड बन चुका है आपके आर्चिगोनियम में इस पोर्शन में बंट्री पोर्शन में ये जयकोड जो है ना दैट इज द डिप्लॉइड सेल एंड ये चीज़ है कि इट इज़ द फर्स्ट सेल ऑफ सुप्रोफिटिक जनरेशन मींस इसके बाद अब आप आपका जो जनरेशन होगा इसी प्लांट के ऊपर ग्यूमिटोफिटिक प्लान बॉडी के ऊपर आपका सुप्रोफिटिक जनरेशन भी स्टार्ट हो जाएगा अब इसको बारे में हम लोग और डिटेल से पढ़ते हैं स्प्रोफाइट हमने पहले ही कहा कि एक आरजाइकोड जो बना सॉरी फर्टिलाइज इक आरजाइकोड इज़ द फर्स्ट सेल ऑफ सुप्रोफिटिक जनरेशन

हाइपोबेसल सेल डायग्राम में देख सकते हैं फिर एपी बेसल एंड हाइपोबेसल सेल ऑप्लिकली डिवाइड टू फॉर्म एपिकल सेल मीन इनमें डिवीजन ऐसे होगी दोनों में आपके एपिकल सेल्स बनेंगे एक एपी बेसल वाला एपिकल सेल और एक हाइपोबेसल वाला नीचे वाला आपका एपिकल सेल आप देखिएगा ये वाला पोर्शन जो एपिकल सेल आपकी एपी बेसल सेल में बना है कट ऑफ

ियम देखे तो हमारे तीन पार्ट देखने को मिलता है, food, यहां पे ये वाला देखो, ये है और ये इसका स्पोरोफेटिक बॉडी है फूड आपको हमें नजर नहीं आएगा क्योंकि ये दशा रहता है गेमेटोफेटिक फीमेल ब्रांच के ऊपर सीटा जो है लॉन्ग लाइक स्ट्रक्चर देख सकते हैं और कैप्सूल जो है आपका ऊपर वाला पियर शेप्ड होता है इसी में आपके स्पोर्स बनेंगे अब इस स्ट्रक्चर को और अच्छे से हम लोग समझते हैं अगर एनाटॉमी देखें तो ये बिल्कुल सिंपल होता है यहाँ से आप देख लीजिएगा अब मेन हमारा है कैप्सूल कैप्सूल में हमें तीन चीज़ें देखने को मिलता है इसके तीन पोर्शन में हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं ये वाला कैप्सूल का डायग्राम आप देख सकते हैं नीचे वाला जो पोर्शन होता है ना कैप्सूल का जो सीटा के जस्ट ऊपर होता है ये एफोफाइसिस कहलाता है और बीच वाला पोर्शन जो है ना दैट इज द थीका और ये वाला पोर्शन जो है ना इस डायग्राम में दैट इज़ द एपिकल रीजन तो सबसे पहले अगर हम एफोफाइसिस की बात करें तो ये थोड़ा सा फूला रहता है सोलन बेस स्टेराइल रीजन ऑफ कैप्सूल मीनस इसमें स्पोर्ट्स नहीं बनते तो स्टेराइल रीजन हुआ और इसका जो है ना इपिडर्मस के कवरिंग होती है एपिडर्मस के जस्ट नीचे आपके पास फोटोसिंथेटिक पॉजी लेयर ऑफ टिश्यूज़ होता है जो कि फोटोसिंथेसिस का, का काम करेगा

क्लोम्य इज सराउंडेड बाय बैरल शेप स्पोर्ट इसके दोनों साइड पे हमारे पास बैरल शेप स्पोर्टैक होता है स्पोर सैक मीन्स स्पोर चम्बर इसी में आपके स्पोर बनेंगे अब इसके बाद कह रहा कि, है कि द स्पोर से कंटेन स्पोर मदर सेल्स इसी में म्योसिस होगा तो बाद में स्पोर्स बनेंगे द वाइट एयर स्पेस इज प्रेजेंट आउटर टू दस स्पोर्टेक के दोनों के बाहर देखिएगा हमें एयर स्पेसिस यहाँ पे खाली चीजें नजर आ रहा है और ये ट्रैबिक्यूली जो है ना आपको स्पोर्ट सेल्स को जो है ना दूसरे कैप्सुल के हिसाब इसके बाद आए द वॉल ऑफ द थीका कंसिस्ट ऑफ अगर वॉल करे तो इपिडरमिस होता है हाइपोडरमिस होता है और टू सेल्स थिक स्पॉन्जी लेयर यहाँ पे वॉल यह ऑफ थीका देखिएगा सबसे बाहर जो है एपिडरमिस है फिर हाइपोडरमिस है और टू लेर का आपका आपका फोटोसिंथेटिक रीजन लेयर होता है और सबसे टॉप पे हमारा होता है एपिकल रीजन एपिकल रीजन में हमारे पास दो इंपॉर्टेंट पार्ट है ओपरक्यूलम और पेरिस्टोम ये वाला पोर्शन भी आपका देख सकते हैं यहाँ पे ये वाला पोर्शन जो है ना एपिकल रीजन कहलाता है जिसमें आपका एक लाइक स्ट्रक्चर होगा जिसे हम ओपरक्यूलम कहेंगे और आपका पेरिस्टोम होगा और यहाँ पे याद रखिएगा ओपरक्युलम जो है ना दैट इज दी वो थ्री टू फोर लेवल ऑफ थिन वॉल्ट सेल्स होगा बी इमीजिएटली बिलो दी ऑपरक्यूलम हमारे पास पेरिस्टोम प्रेजेंट रहता है अब पेरिस्टोम है क्या चीज़ देखिए पेरिस्टोम्स आर नॉट सेल ये सेल नहीं होता याद रखिएगा दीज आर एक्चुअली दी सिंपल स्ट्रिप्स ऑफ क्यूटिकल क्यूटिकल का जो है ना वो कुछ स्ट्रिप्स है उसी को आपका पेरिस्टोम कहलाता है याद रखिएगा और यहाँ पर हमारे अगर आ, फिनेरिया के केस में देखें तो पेरिस्टोम कंसिस्ट ऑफ टू रिंग्स आपका होगा इन ईच रिंग हर एक रिंग में आपको आउटर सिक्सटीन लॉन्ग ट्राइंगुलर टीथ जो है आपको मिलेगा और इनर सिक्सटीन थिन वॉल्ट टीथ मीन्स आपके पेरिस्टोम्स के दो रिंग होंगे और रिंग में जो है ना अगर आप देखें तो 16 आपको लंबे लॉन्ग टीथ दिखेंगे और छोटे 16 आपको थिन वॉल्ट टीथ दिखेंगे द पेरिस्टोम टीथ आर हाइग्रोस्कोपिक हाइग्रोस्कोपिक मीन्स ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगा एंड जैसे ही आपका ह्यूमिडिटी स्लाइट ह्यूमिडिटी होता है उस पर वो ये रिस्पॉन्स करता है और पेरिस्टोम का मेन मकसद क्या होता है इट हेल्प्स इन द डिस्पर्सल ऑफ स्पोर तो ये आगे जाके द पेस्टोम इज रिंग ऑफ थिन वर्ल्ड सेल विच फॉर्म द कैप्सूल ये आप यहाँ से लिख सकते हैं नाउ नेक्स्ट हमारा डिसेंस ऑफ कैप्सूल जब आपका स्पोरोफाइड रीच एट मेच्योरिटी द वाटर सप्लाई टू द कैप्सूल इज कट ऑफ जिससे स्पोरोफाइड आपका फुली मेच्योर होगा वाटर सप्लाई है गेमोटोफेटिक बॉडी से वो बंद हो जाएगा एज ए रिजल्ट ऑल टिश्यू ऑफ द कैप्सूल श्रिंग सारे श्रिंग कर जाएंगे एक्सेप्ट स्पोर इससे क्या होगा इट लूज द कनेक्शन बिटवीन ऑपरक्यूलम एंड अंडरलाइंग टिश्यू ऑपरक्यूलम जो टॉप पर जो गैप है उसका और अंडरलाइंग टिश्यू में आपका एक क्या होगा कनेक्शन लूज हो जाएगा फाइनली आपका ओपरक्यूलम जो है वो शट मीन्स वहाँ से निकल जाएगा जिसकी वजह से आपका पेरिस्टोम टी जो है वो एक्सपोज होगा आउटर इन्वायरमेंट में और बाद में जाके पेरिस्टोम टी मैंने पहले ही कहा कि हाइग्रोस्कोपिक होता तो जितने भी स्पोर्ट्स आपके स्पोर्ट सेट में हैं वो आपके पेरिस्टोम ट्रीट के थ्रू डिस्पर्स होता है बाहर निकल के आता है फिर नेक्स्ट है हमारा जर्मिनेशन ऑफ स्पोर एंड डेवलपमेंट ऑफ प्रोटोनियम नाउ जैसे ही आपका स्पोर जो है कैप्सूल से निकलेगा स्टार्ट जर्मिनेशन जब आपके फेवरेबल कंडीशन पे अगर स्पोर अगर गिर गया तो उसमें आपका जो स्पोर का बाहर वाला वॉल होता है एक्सो स्पोर वो रैपचर करेगा एंड द इनर स्पोर वॉल एंडो स्पोर दैट ग्रोस आउट एंड इन फॉर्म द जर्म ट्यूब इस डायग्राम में देख सकते हैं बाद में इसी जर्म ट्यूब से हमारे पास ब्रांचिड मल्टी सेल्युलर हेयर हेयरलेक् स्ट्रक्चर्स बनेंगे इसी इस वाले डायग्राम में इस जर्म ट्यूब से दैट वी कॉल्ड इट कॉल प्रोटोनीमा और यहाँ पे प्रोटोनीमा में हमारे पास दो तरह के ब्रांचेस होते हैं याद रखिएगा क्लोरोनिमा एंड रईजाइड्स जो आपका सब्सट्रेटम के ऊपर हो या सरफेस पे या बाहर ऊपर की तरफ दैट वी कॉल्ड इट इन कॉल क्लोरोनीमस ब्रांच और जो नीचे सब्सट्रेटम के नीचे आपका दस जाता है दैट इज़ दी राइजाइड्स इस डायग्राम में डी वाले डायग्राम में देखिएगा ये ऊपर वाला क्लोरोनिमा नीचे वाला राइजाइड फिर इसके बाद बाद में क्या है क्लोरिमा स्टेज जो है ना वो बहुत तेजी से ग्रो करता है ट्वेंटी डेज़ के बाद अप्रॉक्सिमेटली मोस्ट ऑफ द क्लोरोनिमा डिजनरेट इसके सेल्स भी मोस्ट सेल डी करेंगे ओनली ए फ्यू एपिकल सेल्स आर लेफ्ट दिस एपिकल सेल गिव राइस टू फिर से एक दूसरा तरह का आपका फिलामेंट बनता है दैट क्वालिटिड इन ए तो बाद में जाके यहाँ पे आपके कोलोनीमा जो हो आपके फ्लेमेंट्स होंगे उनके ऊपर बर्ड बनेंगे एंड दिस बर्ड गिव राइज टू गेमेटोफेटिक प्लांट बॉडी गेमेटोफाइट जो मेन आपका प्लांट बॉडी वो बनाएगा ये आपका कोलोनीमा स्टेज में जितने भी आपके बर्ड्स बनेंगे ना वो बर्ड जो है ना बाद में जाके दैट विल डेवलप्ड इन न्यू प्लांट गेमेटोफिटिक प्लांट बॉडी तो ये लाइफ साइकिल का डायग्राम है इस डायग्राम के माध्यम से हम लोग समझते हैं हमने कैप कर लेते हैं जल्दी से सबसे हमारा गेमेटोफेटिक प्लांट बॉडी है मेन प्लांट बॉडी होता है जो कि इंडिपेंडेंट होता है इसमें हमारे पास बाद बाद में इनके टिप्स के ऊपर मेल ब्रांच के ऊपर एंथ्रीडिया बनता है फीमेल ब्रांच के ऊपर हमारा आर्चीगोनिया बनता है एंथ्रीडिया में आपका मेल गैमिट्स बनेंगे जिसमें आपके दो फ्लाजिला होते हैं हर गैमिट्स में और आपके आर्चीगोनिया के वेंट्री पोर्शन में आपका एक बनता है बाद में जाके आपका मील गेमिट बाहर निकल के आएगा थ्रू द एजेंसी ऑफ वाटर फिर आपका फर्टिलाइजेशन होगा फ़र्टिलाइजेशन होते ही फर्स्ट सेल जायकोड बनेगा या स्पोरोफेटिक स्टेज स्टार्ट होता है और ये जायकोड बाद में आपका डेवलप्ड होके इसी आर्चिगोनिया के अंदर ही बाद में आपका एक स्पोरोफेटिक बॉडी बनाता है जिसके तीन पार्ट होता है नीचे वाला पोर्शन बल्बलस दैट इज द फूट ऊपर से लॉन्ग सीटा दैट इज दी सीटा लॉन्ग स्टॉक होता है सीटा और ऊपर वाला आपका पियर शेप स्ट्रक्चर होता है दैट इज कैप्सूल बाद में जाके इसी कैप्शूल के स्पोर्जिनस टिश्यू में आपके स्पोर मदर सेल्स बनते हैं और ये स्पोर मदर सेल में आपका म्योसिस होगा म्योसिस होगा तो आपके ये स्पोर जो है वो हैपलाइट होंगे ये आपका जर्मिनेट करेगा प्रोटोनिमा स्टेज के थ्रू और प्रोटोनिमा स्टेज के थ्रू जो बर्ड्स बनेंगे दैट विल अल्टीमेटली फॉर्म दे गेमेटोफेटिक प्लांट बॉडी तो यहाँ पे याद रखिएगा ये आपका लाइफ साइकिल का पूरा डायग्राम है देखिए स्टार्टिंग में मैंने कहा डेवलपमेंट स्टेज भी इसी में पढ़ेंगे अभी हमारा वीडियो जो है ना बहुत लंबा जा रहा है तो इसी लिए मैंने डेवलपमेंट स्टेज को जिसमें डेवलपमेंट ऑफ एंथेडियम और हमारा डेवलपमेंट ऑफ आर्चिगोनिया इन दोनों को और प्लस आपका डेवलपमेंट ऑफ स्पोरोफाइट इसको जो है ना अलग से वीडियो में इसी चैनल पर डिस्क्राइब करा हुआ है सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो में अब वहाँ से अगर आपको डेवलपमेंट अगर आपको पढ़ना है समझना है तो वहाँ से जाके अलग से आप समझ सकते हैं फिर इसके बाद आप इस वीडियो को कनेक्ट कर लीजिएगा थैंक यू अगर इस वीडियो लेक्चर का आपको पीडीएफ चाहिए इससे पहले जितने भी वीडियो लेक्चर्स मैंने अपलोड करा इस चैनल में उन सब का अगर आपको पीडीएफ एक्सेस करना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है वहाँ से एक नॉमिनल चार्ज देख आप मेरे सारे वीडियो लेक्चर्स का काफ़ एक्सेस कर सकते हैं साथ में बुक भी ऑर्डर कर सकते हैं बताऊँ टेक्स बुक ऑफ बॉटनी जिसके वॉल्यूम फर्स्ट में माइक्रोब्स के अंदर आपको वायरस और बैक्टीरिया का डिटेल मिलेगा क्रिप्टो गेम्स के अंदर आपको अलगी फनजय लाइक एंड ब्राइफ फाइट बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करा हुआ है फिर जिम्नोसम भी अलग से डिस्क्राइब करा हुआ तो यूनिक फीचर्स की बात करें तो इस बुक में जितने भी टॉपिक्स हम लोगों ने डिस्क्राइब करा हुआ है है वो ब्लड पॉइंट फॉर्म में है दैट पैराग्राफ फॉर्म में नहीं है सेकंड चीज इस बुक के मैक्सिमम टॉपिक का एक्सप्लेनेशन जो है ना आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा यहां पे देख सकते हैं बुलेट पॉइंट फॉर्म में दिया हुआ है जिसे रिमाइंड करने में आपको समझने कर में, में बहुत आसान है, जो है न, आपको अच्छे से समझ में आया होगा अगर ये वीडियो जो है आपके लिए यूजफुल रहा तो इस वीडियो को लाइक करिएगा शेयर करिएगा कमेंट करिएगा और मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा थैंक यू सो मच सी यू इन नेक्स्ट वीडियो